दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक और एक्सरसाइज सिंप्लीफिकेशन की 12 नंबर एक्सरसाइज। ठीक है, ऐसी एक्सरसाइज हम पहले भी करते रहे हैं और सिंप्लीफिकेशन क्योंकि हर चैप्टर में काम आता है तो इसमें अलग अलग तरह के जैसे फ्रैक्शन वाले और स्टेटमेंट्स वाले सवाल होते हैं तो इसकी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज इसलिए बनाई गई हैं। इस एक्सरसाइज में भी हम कुछ सीखेंगे। देखिए, जैसे ये सवाल है, देखने में बहुत बड़ा लगता है, ब्रैकेट्स हैं, फ्रैक्शंस हैं, ठीक है, तो इसको हम इजी वे में कैसे कर सकते हैं। देखिए, ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हो, ये संख्या ये एक जैसी लग रही है, ये भी एक जैसी, ये तीनों एक जैसी, इसको ए मान लेते हैं। और ये देखो, इसमें माइनस है सिर्फ और कुछ फर्क नहीं है, ये एक तरह से बी है और कुछ नहीं है इसमें। तो हमारे पास क्या है, एक तरह से ऊपर तो है a गुना a, यानी कि ऊपर है हमारे पास a स्केयर माइनस, यहाँ पे अगर ये b है तो ये क्या हो गया आपका, ये b स्केयर हो गया, और नीचे क्या है, ये a और प्लस ये क्या है b। तो a स्केयर माइनस b स्केयर आप दोस्तों जानते हैं, a माइनस b और a प्लस b होता है, ठीक है। नीचे इसके a प्लस b है तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, a माइनस b। तो वैसे ही आपके पास क्या बचेगा, ये a है आपका, एक प्लस एक बटे एक प्लस एक बटे 100, और माइनस में क्या बचेगा आपके पास, माइनस में बचेगा b, b क्या है, ये रहा, ठीक है। तो माइनस में कर रहे हैं तो ये एक किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और फिर माइनस में b लिखना है तो माइनस, तो ये b वाला, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, यानी कि ये माइनस का आएगा, ये आपका प्लस का हो जाएगा, माइनस बाहर है तो ये आ जाएगा एक बटे एक प्लस एक बटे 100। एक प्लस का है एक माइनस का, ये तो कट जाएगा, फिर इतना बच गया, ये दोनों सेम है, देखो ये दोनों संख्याएं सेम, अगर आप ये निकाल लो तो उतनी ये होगी, इसका और इसका जोड़, तो देखो ये क्या हो जाएगा, 100 एकम 100 और 101 बटे 100 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 1 बटे 101 बटे 100। ये ऊपर जाए गुणा में हो जाएगा तो एक ही गुणा में क्या आ जाएगा, 100 बटे 101, पलट गई संख्या, 100 बटे 101 ये आ गया, ठीक है। और ये जो संख्या 100 बटे 101, ये तो सेम ही है, ये भी 100 बटा 101 होगी, तो इसमें इसको जोड़ दो 100 बटे 101 को, तो क्या हो जाएगा, 101 अगर एलसीएम सेम रहता है नीचे तो 100 जमा 100 ऊपर क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 200 बटे 101 आपका बी आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, आपको करना क्या है, आपको सिर्फ ये देखना है इसमें फॉर्मूला कौन सा बन रहा है, ये ए है ये बी है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर बटा ए स्केयर प्लस बटा ए प्लस बी बन रहा है, तो a प्लस बी कट जाएगा तो आपके पास a माइनस बी बचेगा, a आपका ये रहा, ये आप लिख दो, और b आपका ये रहा, ये 1 प्लस वाला a है, ये 1 माइनस वाला b है, ये लिख दिया आपने, ये माइनस में लिखोगे तो एक माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये रहा प्लस का, तो ये एक कट गया, ये बच गए आपके ये और ये, इसको 100 एकम 100 और 101 बटा 100 है, ऊपर जाके 100 बटा 101 हो जाएगा और 100 बटा 101 ये दोनों 200 बटा 101 हो जाएंगे, ठीक है, ये आपका उत्तर आ जाएगा, बी पे आप टिक कर दोगे या जो भी आजकल ऑनलाइन में होता है, आपको कोई बटन दबाना हो वो कर दोगे, आपका सवाल हो जाएगा। हमें दिया है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 13, ठीक है, और ये भी दिया है a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर बराबर 69। आपको स्टेटमेंट टाइप में भी सवाल दे सकता है ये थोड़ा मुश्किल बनाने के लिए, कि तीन संख्याएं दी हुई हैं, तीनों संख्याओं का योग 13 है, उनके स्केयर्स का योग 69 है, ये बात लिख दी स्टेटमेंट में, आप इसको मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो। फिर पूछता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान बताओ, तो जो दोस्तों ने हमारे ये सवाल किया हुआ है वो तो देखते ही समझ जाएंगे कि ए प्लस बी प्लस सी इसकी वर्ग जो होता है उसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है, ये होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है, ये फार्मूला आप जानते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी 13 दे रखा है हमारे पास, ये 13 है, ठीक है दोस्तों, ये भी दे रखा है हमारे पास, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, ये 69 है, और अब क्या बच गया, ये बच गया, इस तीनों में 2 कॉमन है तो 2 बाहर निकाल लो तो अंदर क्या बचेगा, ए प्लस बी सी प्लस सी ए, ये बच गया जो हमें निकालना है, ये देखो, तो ये अपने आप निकाल लेंगे, क्यों, बाकी सारा इधर भेज देंगे, 13 का स्केयर होता है 169, यहाँ पे 169 आ जाएगा और ये 69 इधर जाके घट जाएगा क्योंकि हमें ये निकालना है, तो बाकी सारा इधर भेजेंगे, ये घटेगा दोस्तों, क्या बचेगा, 100 बचेगा उधर, और इधर बच जाएगा ये 2ab जमा bc जमा ca, 2 यहाँ गुणा में है इसके, उधर जाएगा तो किस में जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो 2 से भाग करोगे क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 50 आ गया आपका, 50 b उत्तर है, ठीक है दोस्तों।
तो कोई मुश्किल इसमें आई आपको? कोई मुश्किल नहीं है। ये करना क्या है कि ये आप लिख दो यहाँ पे, तो ये स्केयर दे रखा है तो आपको दिमाग में एकदम से आएगा कि स्केयर का कोई फार्मूला होता है। वो पहले फार्मूला ही लिख लो, अगर पूरा सवाल समझ में नहीं आ रहा तो। जैसे ही फार्मूला लिखोगे, आपको ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये निकालना है, सिर्फ एक चीज निकालनी है। जब सारी चीजें दे रखी हो, सिर्फ एक चीज निकालनी हो, तो जो दे रखे उसको एक तरफ कर दो, निकालनी है वो एक तरफ, आपका सवाल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 13 रख देते हो या 69 रख देते हो, ये आपका स्केयर कर दो, फिर घटा दो, आपका सवाल हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल में हमें ये दिया है, एक्स स्केयर जमा वाई स्केयर जमा जेड स्केयर -64 बटे में एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर -2। एक तो ये दिया हुआ है आपको। पहली बात तो ये करो कि ये देखो एक्स स्केयर वाई स्केयर जेड स्केयर है ना, तो ये फार्मूला होता है ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्केयर क्या होता है, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, होता है ऐसा फार्मूला। आप कोशिश करो वैसा बनाने की। इसको कैसे बना सकते हैं, ये इससे अलग हो गया, ये 2xy 2yz, इसको इधर भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा इसके। तो पहला काम तो यही कर लो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर तो है आपका एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर माइनस का 64, और बराबर में क्या आ जाएगा, माइनस का 2xy, और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 2yz, और माइनस माइनस प्लस 2zx। अब एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स इधर भेज दो ताकि हम फार्मूला बना लें, और -64 को इधर भेज दो जो हमें नहीं चाहिए। तो हमारे पास क्या होगा अल्टीमेटली, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा 2xy। अच्छा, ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा 2yz, और ये प्लस का ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है, और बराबर में -64 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 64। इतना आप कर लोगे। अब दिक्कत हमें क्या आई कि ये हमारा फार्मूला ऐसे होता है, एक्स स्केयर वाई स्केयर जेड स्केयर 2xy जमा 2yz जमा 2zx, ये जमा के होने चाहिए थे, ये माइनस आ गया। पर इसका मतलब क्या हुआ, देखो एक्स और वाई की गुणा प्लस की आ रही है ना, एक्स और वाई की गुणा प्लस है, तो इसका मतलब एक्स और वाई दोनों क्या है, एक्स भी पॉजिटिव है हमारा और वाई भी क्या है, पॉजिटिव है हमारा। इसमें देखो ये y और z की गुणा नेगेटिव आ रही है, क्योंकि इसमें एक नेगेटिव होगा, और z और x की भी नेगेटिव आ रही है, तो एक नेगेटिव होगा। x y पॉजिटिव है तो नेगेटिव कौन सा हुआ, z नेगेटिव हुआ, तभी z के x से करोगे तो भी माइनस का आएगा, और z की y से करोगे तो भी माइनस का आएगा, क्योंकि एक माइनस का हो उसकी गुणा करोगे दूसरे प्लस के साथ तो माइनस हो जाती है। तो इसका मतलब z माइनस का है। तो हम इस फार्मूला को कैसे बनाएंगे, एक्स स्केयर जमा वाई स्केयर जमा ये जेड है ना, ये माइनस का है और इसका स्केयर कर दो, पर यहाँ प्लस हो जाता है, क्यों हो जाता है, माइनस जेड की दो, जैसे -3 की दो प्लस 9 हो जाती है ना, एक्स माइनस वाई का स्केयर निकालते हो आप, ठीक है, तो सॉरी वो डिफरेंट टर्म हो गया, क्योंकि इसमें तीन रकम है, इसमें दो ही होती है, पर इसमें भी माइनस जेड का स्केयर करोगे तो प्लस ही आएगा, एक्स स्केयर जमा वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर, पर है जेड माइनस का यहाँ लिख दो, जमा 2xy, इतना हो गया आपके पास। ये एज इट इज रहेगा आपका, क्यों रहेगा, क्योंकि x और z की करोगे तो वो भी माइनस हो जाएगा, -2zx और -2yz, ठीक है, ये -2yz -2zx, फार्मूला तो प्लस का ही था, पर क्योंकि z माइनस का था वो बाहर माइनस आ गया, ये 2zx था पर क्योंकि z माइनस का था वो बाहर माइनस आ गया, इक्वल टू 64। अब ये हमारा फार्मूला बन गया, किसका बन गया, ये फार्मूला बन गया x जमा वाई माइनस जेड इसकी सारे की दो, देख लो x की दो जमा y की दो माइनस z की दो प्लस z स्केयर हो जाएगा प्लस 2xy, और प्लस इसकी इसकी करोगे 2yz, ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि माइनस है, और 2zx जब इसकी करोगे तो माइनस का है, बिल्कुल परफेक्ट है ये फार्मूला हमारा, और इक्वल टू 64। तो हमने क्या किया, ये एक्स स्केयर वाई स्केयर जेड स्केयर और ये वाला जो था इसको इकट्ठा छोटा सा कर दिया, एक्स जमा वाई माइनस जेड का स्केयर कर दिया, फार्मूले का यूज कर लिया हमने, ठीक है, यहां तक आप पहुंच जाओगे, इसको देखते ही समझ गए थे यहां और यहां से स्केयर बन रहा है। अब आगे दिया है आपको एक्स जमा वाई इक्वल टू 3z, ये बड़ा आसान कर देगा हमारा काम, क्यों कि यहाँ पे एक्स जमा वाई की जगह 3z रखोगे तो सारा जेड में हो जाएगा और जेड का मान निकल जाएगा, और जेड का मान तो निकालना है हमें, तो यानी एक्स वाई खत्म हो जाएंगे, तो क्या करो एक्स जमा वाई की जगह रख दो 3z माइनस जेड, इसका स्केयर बराबर 64, ठीक है, तो 3z में से जेड के 2z बच गए, 2z का स्केयर करो 2 का 4 और जेड का जेड स्केयर बराबर 64, 4 से 64 कितने पे जाएगा 16 पे, जेड स्केयर बराबर 16 है तो जेड बराबर आ जाएगा 4, तो ये आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। कौन से ऑप्शन पे बटन दबाओगे आप, सी पे, सी पे बटन दबाते ही आपको अपना नंबर मिल जाएगा। तो कैसा लगा ये सवाल, मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं है, इसमें
सिर्फ आपको स्टेटमेंट पहचाननी है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि स्टेटमेंट को पहचानो तभी आप कर पाओगे। ये इसमें यहां से और यहां से दो एक्स वाई दो वाई जेड इसे गुणा करते दो तो आ ही जाएगा। तो मुझे ये दिख गया कि ये एक्स जमा वाई माइनस जेड का स्केयर है, क्योंकि जेड माइनस में आ रहा है यहाँ पे दोनों में, एक्स वाई तो दोनों प्लस के हैं। ठीक है, तो आप वो फार्मूला बना लोगे एक्स जमा वाई माइनस जेड का स्केयर, यहां से ही दिख गया था ये। तो ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था। अगर सीधा कहीं ज्यादा तेज होते हैं वो इसको देख के और इसको देख के सीधा ये लिख देंगे एक्स जमा वाई माइनस जेड का स्केयर बराबर 64, सीधा यहाँ पे आएंगे वो। उसके बाद इसकी जगह 3z रखेंगे, 2z का स्केयर, ठीक है, और सवाल खत्म। ये हो गया उसको थोड़ा स्पीड से करने का तरीका। जिनको बेसिक कमजोर है थोड़ा, वो ऐसे कर करके करेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। अगला सवाल देखो, ये है आपके पास, ये है, ये है। देखो एक जैसा निश्चय नहीं लग रहा आपको, 13 को मैं ए मान लू, 7 को बी मान लू, ए की 3 जमा बी की 3, नीचे ए स्केयर जमा बी स्केयर, और ये महाशय क्या है 20 है, ये अलग है, पर इसको लिख सकता हूँ 13 जमा 7, 20 ही होता है, तो ये ए ये बी। तो एक तरह से आपके पास ऐसे नहीं बनना, ए की 3 जमा बी की 3, नीचे क्या है ए स्केयर जमा बी स्केयर माइनस, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, और बराबर है ए जमा बी। ठीक है दोस्तों, इसको मैं उधर ले जाता हूँ गुणा में, तो क्या हो जाएगा, ये ए जमा बी के गुणा में चला जाएगा, ए स्केयर जमा बी स्केयर माइनस क्वेश्चन मार्क। पर दोस्तों आप इसका फार्मूला जानते हो, ए की 3 जमा बी की 3 का, ये यहाँ से उधर चला गया। ए की 3 जमा बी की 3 का फार्मूला होता है ए जमा बी ए स्केयर जमा बी स्केयर माइनस ए बी आता है, यहाँ पे आपको पता है ना, इसमें दिया नहीं हुआ पर आपको पता है ए बी आता है, तो ए बी आएगा यहाँ पे, तो माइनस ए बी क्या आएगा, ए क्या है आपका, ए 13 है, बी है 7, तो ए बी क्या हो जाएगा, ए और बी की गुणा 13 7 91 आएगा यहाँ पे, आपको पता है ना, तो आप सी पे निशान लगा दोगे। कोई मुश्किल इस सवाल में, इसको देखते ही पता लग रहा था, ये ए की 3 जमा बी की 3 है, ये ए जमा बी इधर पड़ा है, ये इधर जाके इसके ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्केयर जमा बी स्केयर माइनस ए बी, तो यहाँ पे ए बी आना है आपको पता है, तो ए 13 है, बी 7 है, 13 7 91 ही, तो इस कहीं तो इसको देख ही कर देंगे यहाँ से, वो पेन और पेंसिल का यूज ही नहीं करेंगे, और सिर्फ उस सवाल को देखेंगे शक्ल को, यहाँ 13 7 है, यहाँ 13 7 है, ठीक है, ये वो फार्मूला ए बी वाला है, ए बी 13 7 91 होता है, वो सीधा निशान लगा देंगे। वो तरीका हो गया आपका कुछ सेकंड में करने का, तो कुछ सेकंड में भी कर सकते हो इसको सवाल को, और बेसिक कमजोर है तो आप करके भी देख सकते हो इसको। 38 बार बार आ रहा है 3 बार, तो मैं इसको 38 को ए मान लेता हूँ, तो मेरे पास क्या आ गया ए की 3 प्लस, ये क्या आ रहा है बार बार 34 आ रहा है, तो ये इसको मैं 34 को बी मान लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा बी की 3 जमा 28 भी 3 बार आ रहा है, तो इसको मैं सी मान लेता हूँ 28 को, तो ये सी की 3 हो गया माइनस, ये क्या है आपका 38 ए, 34 क्या है बी, और 84 तो आपने माना ही नहीं पर आपने 28 माना है, तो देखो 84 क्या है 3 गुना 28 ही तो है, 3 गुना में 28 यानी 3 गुना में सी, 28 सी है ना, तो ये क्या है आपको अगर ध्यान से पहचानो तो 3 तो आप अलग लिख दो, 38 जो है वो ए है, 34 है वो बी है, और 84 होता है 28 गुणा में 3, 3 को आगे लिख दिया 28 बच गया वो सी है। ये फार्मूला आपको दिख रहा है, जिसको दिख रहा है वो बिना लिखे ही पहचान जाएगा कि ये फार्मूला है आपके पास। नीचे क्या दिया हुआ है 38 दो बार है तो ए स्केयर, 34 बी है हमारा और 28 सी है, फिर 38 34 ये ए और बी माना था हमने, और ये क्या था हमारा बी और सी था मेरे ख्याल से, और ये सी और ए हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, इतना आपने कर लिया। अब ये फार्मूला आपको पता होगा मेरे ख्याल से, ए क्यूब जमा बी क्यूब जमा सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी, ये फार्मूला होता है दोस्तों लंबा सा, पर कोई बात नहीं लिख लेते हैं, ए जमा बी जमा सी और ए स्केयर जमा बी स्केयर जमा सी स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये फार्मूला होता है ये। और नीचे जो सेम दिया हुआ है नीचे ए स्केयर जमा बी स्केयर जमा सी स्केयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो ये तो कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा ए जमा बी जमा सी, ए हमारा 38 है, बी 34 है, और सी क्या है हमारा दोस्तों 28 है, इन तीनों का जोड़ कर दो 42 30 72 और 28 100 हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन डी आपका आंसर आ जाएगा। मुझे तो लगता है बहुत ही आसान है। ठीक है, अब उन दोस्तों के लिए जिनका बेसिक्स अच्छा है वो यहाँ से क्या देखेंगे कि देखो एक जैसी रकमें दिख रही है, यहाँ पे ए क्यूब जमा बी क्यूब जमा सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी है, और नीचे ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर ए बी बी सी सी ए है, इसका फॉर्मूला यही तो होता है, तो नीचे वाला तो कट जाएगा, ए जमा बी जमा सी बचेगा, तो तीनों का जोड़ कर दो, तीनों का जोड़ 100 होता है, 100 पे निशान लगाएंगे, वो पेन चलाएंगे नहीं, वो सीधा निशान लगाएंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग भी इसमें निशान सीधा लगा दोगे बिना पेन पेंसिल के,
तो सवाल आपका सेकंड्स में हो जाएगा ये। देखो लकीली वही सवाल आ गया, ए क्यूब क्यूब जमा बी क्यूब जमा सी क्यूब, वैसे ही तो कुछ बन रहा है ये, ए क्यूब जमा बी क्यूब जमा सी क्यूब, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, देखो ये अगर मैं इसको ए मान लूं तो ये है हमारे पास ए क्यूब, वाई माइनस जेड को मैं बी मान लेता हूं, इसको ए और ये सी हो गया, तो हमारे पास हो गया ए क्यूब जमा बी क्यूब जमा सी क्यूब, और नीचे क्या है नो, और ये है ए बी सी, ये हो गया हमारे पास। पर हमारे पास जो फार्मूला होता है उसमें माइनस तीन ए बी सी और होता है ना, आपने देखा ए क्यूब जमा बी क्यूब जमा सी क्यूब माइनस तीन ए बी सी, वो इसमें मिसिंग है, ठीक है। उसका हम क्या करें, हमारा फार्मूला हम लिख लेते हैं, ये होता है हमारे पास ए क्यूब जमा बी क्यूब जमा सी क्यूब माइनस तीन ए बी सी बराबर ए जमा बी जमा सी, और फिर ए स्केयर जमा बी स्केयर जमा सी स्केयर, आगे आप फार्मूला लिख लेना, आपको पता है, ठीक है। अब इसमें इसने क्यों नहीं लिखा माइनस तीन ए बी सी, इसने कोई ट्रिक खेली है, क्योंकि सिंपल सवाल तो दे नहीं सकता फार्मूले जैसा। पर इसमें देखो हमारा ए जमा बी जमा सी क्या है, बहुत बार ऐसे सवाल आएंगे जिसमें ए जमा बी जमा सी जीरो बनेगा आपका, ठीक है, ये जीरो बनेगा तो ये सारा जीरो बन जाएगा आपका, ऐसे सवाल आएंगे, ध्यान रखना है इसमें। ए जमा बी जमा सी, ए क्या है हमारा एक्स माइनस वाई है, बी क्या है वाई माइनस जेड है, सी क्या है जेड माइनस एक्स है, तो एक्स से एक्स कट गया, वाई से वाई कट गया, जेड से जेड कट गया, जीरो आ गया, ये जीरो आ गया, और जीरो के गुणा में कोई भी रकम हो सारी तो वो सारा जीरो बन जाएगा, तो यानी कि हमारा ये जीरो ही बन गया, क्या बन गया जीरो हमारा, ए क्यूब जमा बी क्यूब जमा सी क्यूब माइनस तीन ए बी सी, ये फॉर्मूला ही जीरो बन गया, ये जीरो बन गया, तो इसको इधर भेज दो, तो ए क्यूब जमा बी क्यूब जमा सी क्यूब बराबर क्या आ जाएगा तीन ए बी सी, माइनस का तीन उधर जाके प्लस का हो गया, ये हमें दे रखा है देखो, ठीक है ना। इसने ये दिया था ए क्यूब जमा बी क्यूब जमा सी क्यूब, इतना ही दिया था हमें, माइनस तीन ए बी सी नहीं दिया था क्योंकि वो दूसरी तरफ चला जाता है। तो मैं ए क्यूब जमा बी क्यूब जमा सी क्यूब की जगह क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ दोस्तों तीन ए बी सी, तीन ए बी सी मैं लिख देता हूँ, लिख दिया, और नीचे क्या है आपका नो ए बी सी है, नीचे नो ए बी सी, ए बी सी से ए बी सी कट गया तीन तीन नो, तो क्या आ गया आपका आंसर एक बटा तीन, आप सी पे निशान लगा दो कि आपका नंबर पक्का हो जाएगा। देखो दोस्तों कैसे किया हमने, हमें दिया था ए क्यूब जमा बी क्यूब जमा सी क्यूब, कुछ दोस्त यहीं से देख लेंगे क्या दिया हुआ, अभी ए क्यूब जमा बी क्यूब जमा सी क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, माइनस तीन ए बी सी दिया नहीं है, उसके बराबर में क्या होता है, अगर माइनस तीन ए बी सी होता तो उसके बराबर में लिखते हम ए जमा बी जमा सी, फिर और स्केयर में करते जैसे ये करते हैं हम, ए जमा बी जमा सी हमारा ये ए ये बी ये सी, इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमें पता ही है एक प्लस का एक्स है एक माइनस का एक्स है, जीरो होना है वो जीरो है, तो यानी कि सारा फार्मूला ही जीरो है, यानी कि ए क्यूब जमा बी क्यूब जमा सी क्यूब माइनस तीन ए बी सी जीरो है, तो ए क्यूब जमा बी क्यूब जमा सी क्यूब का क्या मान आ जाएगा तीन ए बी सी आ जाएगा, वो तीन ए बी सी के बराबर होगा, तो ये तीन ए बी सी के बराबर होगा, नीचे नौ ए बी सी है तो कट के एक बटा तीन ही आना है, ऊपर तीन ए बी सी नीचे नौ ए बी सी, ए बी सी से ए बी सी कट गया, एक से ऊपर एक आएगा नीचे तीन आएगा, ये आपका फिर उसमें आंसर आ जाएगा, तो ये आप देख सकते हो। तो इसलिए ये फार्मूला आप याद करो कि ए क्यूब जमा बी क्यूब जमा सी क्यूब माइनस तीन ए बी सी, ये तो लंबा सा फार्मूला आपको याद ही होगा। अब ये भी याद कर लो क्या कि ए क्यूब जमा बी क्यूब जमा सी क्यूब है ना, वो तीन ए बी सी के बराबर होगा, या इसको कह दो ना ये जीरो होगा, एक ही बात है, ये जीरो होगा तो इधर जाके तीन ए बी सी इसके बराबर में आ जाएगा, या ए क्यूब जमा बी क्यूब जमा सी क्यूब बराबर होगा तीन ए बी सी कब, जब ए जमा बी जमा सी बराबर क्या हो जीरो हो, ठीक है ना, जैसा कि इस केस में ए जमा बी जमा सी जीरो है, तो ये तीन ए बी सी के बराबर हो जाएगा, नीचे नौ ए बी सी है, तो इस तरीके से आप ये सवाल आसानी से कर लोगे। द हाइएस्ट स्कोर इन एन इनिंग वाज 3/11 ऑफ द टोटल, आपने क्रिकेट की इनिंग देखी है, मुझे लगता है उसी की बात कर रहा है ये, क्रिकेट की इनिंग में कोई स्कोर है, ठीक है, तो अलग अलग खिलाड़ी अलग अलग स्कोर करते हैं, एक टोटल स्कोर होता है और एक इंडिविजुअल स्कोर होता है, इंडिविजुअल में कुछ लोग ज्यादा रन बनाते हैं तो किसी का हाईएस्ट स्कोर हो जाएगा, भी आज इसने शतक मारा, आज इसने इतने रन बनाए, उसका हाईएस्ट हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हाईएस्ट भी होता है, उससे कम किसने बनाए, फिर और कम और लोएस्ट भी होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो हाईएस्ट स्कोर है ना वो क्या है, टोटल का टोटल स्कोर है उसका 3/11 है, ठीक है दोस्तों, 11 खिलाड़ियों ने रन बनाए तो 11 में से तीन हिस्से के रन इसने एक ने बना दिया, हालांकि इसको एक हिस्से के रन बनाने थे, है ना, इसने तीन हिस्से के बना दिए। उसके बाद क्या कहते हैं, नेक्स्ट हाईएस्ट, ठीक है जी, नेक्स्ट हाईएस्ट को क्या क्या लिखेंगे हम, नेक्स्ट हाईएस्ट है 3/11 ऑफ द रिमाइंडर, रिमाइंडर समझते हो दोस्तों, बचा हुआ, टोटल मान लो क्या था, टोटल एक था,
ठीक है। और कंफ्यूजन दूर करने के लिए मान लो मैं ये मान लेता हूं कि मान लो टोटल स्कोर एक्स मान लिया है ना, तो क्या है कि हाईएस्ट स्कोर क्या हो जाएगा इसका, 3/11, 3/11 एक्स इसने बना दिए एक्स में से, तो रिमाइंडर कितना बच गया, रिमाइंडर बचा हुआ देखो एक्स में से 3/11 एक्स गया, 11 में से 3 गया तो कितना बचा, 8 बचा ना, तो आपको घटाने की जरूरत ही नहीं, 8/11 एक्स ही आएगा। कहीं ऐसे घटाने लग जाओ भाई टोटल एक्स था, एक्स में से भाई हाईएस्ट था 3/11 एक्स, इसको घटाओ एलसीएम लो, पता ही 11x हो रही है, 3x 8x/11 आना है, ठीक है। तो 3/11 अगर है आपका हाईएस्ट स्कोर तो बचा हुआ क्या होगा, 8/11, 11 में से 3 है तो 8 बच गए, 8/11। अब 8/11 जो रिमाइंडर है ना, तो नेक्स्ट हाईएस्ट बंदा है ना जो सेकंड टॉपर है, उसने क्या बनाए, आपका 8/11x रिमाइंडर है उसका 3/11 बनाए इसने, ठीक है। ये नेक्स्ट हाईएस्ट आ गया, तो दोनों आ गए आपके पास, हाईएस्ट ने क्या बनाए 3/11x और नेक्स्ट हाईएस्ट ने 8/11x का 3/11, ठीक है दोस्तों। अब क्या कहता है, इफ द स्कोर डिफर बाई 9, यानी कि जो हाईएस्ट है और माइनस में नेक्स्ट हाईएस्ट है उनका जो डिफरेंस है ना वो 9 का है, ठीक है। हाईएस्ट वाले ने 9 रन ज्यादा बनाए सेकंड हाईएस्ट से, हाईएस्ट हमारे पास था 3/11x, ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट हाईएस्ट था हमारे पास 8/11x गुणा में 3/11, ये था हमारे पास, ठीक है, बराबर 9 इतना है। पर इसमें देखो 3/11x यहाँ भी है और 3/11x इतना इतना यहाँ भी है, इन दोनों में है ना ये, तो एक तरीका तो ये कि कॉमन निकाल लो थोड़ा और जल्दी सवाल में भी हो सकता है, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 और यहाँ क्या बच जाएगा 3/11x चला गया, तो 1 - 8/11 इतना आप कर लोगे, यहाँ 1 बचा यहाँ 8/11 बच गया, बराबर है 9। हमें दोस्तों एक्स निकालना है ना, तो एक्स तो एक तरफ रखो आप, ठीक है, बाकी सब उधर चले जाओ, चले जाएंगे कैसे जाएंगे, 9 के गुणा में एक तो ये जाएगा 3/11 है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा 11/3 हो जाएगा, ये देखो कितना बचेगा 11 * 11 में से 8 के 3/11 बचेगा, तो ये भी उधर जाके क्या हो जाएगा 11/3 हो जाएगा, 3 * 3 = 9 ये कट जाएगा, 11 * 11 की गुणा 121 आ जाएगी। आज इसने पूछा था टोटल स्कोर, हमने टोटल स्कोर एक्स माना था वो 121 आ गया, तो आप बी पे निशान लगा दोगे आपका सवाल हो जाएगा। आपने माना कि एक्स स्कोर है उसमें से 3/11x, यानी कि उसका टोटल स्कोर का 3/11, 3/11x हाईएस्ट स्कोरर बनाता है और नेक्स्ट हाईएस्ट है ना वो क्या करता है रिमाइंडर जो बच गया 8/11x उसका 3/11 बनाता है, और जो हाईएस्ट और नेक्स्ट हाईएस्ट में जो डिफरेंस है वो 9 का है, वो भी हमने ऐसे लिख लिया, 3/11x यहाँ भी है और 3/11x ये इसके अंदर है, ये दोनों बाहर मैंने कॉमन निकाला, तो इसमें तो बचेगा 1 और इसमें 8/11, ये भी 3/11 बन जाएगा, तो ये 3/11 और ये 3/11 उधर जाके यहाँ आ जाएंगे 9 के गुणा में, 11/3 पलट जाएंगे इधर जाके, और यहाँ x बच जाएगा सिर्फ, तो ये कट जाएगा, 3 * 3 = 2 है, तो ये 121 आ जाएगा, तो ये आपका एक सवाल हो सकता है दोस्तों। दूसरा, जिनको ये मान लो फ्रैक्शन और एक्स मुश्किल लगते हो ना, तो मे बी इससे भी कर सकते हैं, ऑप्शन वाले मेथड से ट्राई कर सकते हैं, जैसे इसका 110 टोटल स्कोर है, इसमें से इसने क्या किया 3/11 बनाया, 3/11 आप निकालोगे दोस्तों 10 पे जाएगा 30 बना दिए इसने, ठीक है। अब दूसरा क्या बनाता है, दूसरा जो रिमेनिंग स्कोर बच गया 30 इसने बना दिया 110 में से, कितने बच गए 80 बच गए, 80 का 3/11 बनाता है ना, जो रिमेनिंग का जो नेक्स्ट हाईएस्ट वाज 3/11 ऑफ द रिमाइंडर, जो रिमाइंडर बचा शेष बचा उसका 3/11 बनाता है, 80 का 3/11 आएगा ही नहीं, 11 से भाग ही नहीं होता, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। फिर आप जाओगे नेक्स्ट ऑप्शन पे 121 पे, 121 का 3/11 तो पहला क्लियर बना देता है आपका, तो ये 11 पे जाता है 33 आ गया, अब 33 इसमें से आप घटा दो, 33 घटाओगे तो क्या बच जाएगा आपका 88 बच जाएगा, इसके 3/11 है ना दूसरा प्लेयर बनाता है नेक्स्ट हाईएस्ट, ये कितना गया 8 * 8 = 24, और इनमें डिफरेंस कितने का है 9 का है, ये देखो 9 का डिफरेंस आ रहा है इन दोनों में, तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन जो लेके चले थे ये सही है, एक इससे भी कर सकते हो आप, कुछ सवाल ऑप्शन से हो जाते हैं, कुछ वैसे हो जाते हैं, कुछ शक्ल देखते ही हो जाते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपके बेसिक्स कितने मजबूत हैं, उस हिसाब से आप जो अच्छा लगे उस तरीके से कर लो। इसमें डेविड है, गेट्स ऑन द एलिवेटर, आप मेट्रो में जाते हो, मॉल में जाते हो, तो वहां पे एलिवेटर चल रहा होता है, ठीक है, तो वो एक एलिवेटर पे जाता है 11th फ्लोर पे एक बिल्डिंग में, ठीक है, ये लिफ्ट भी हो सकती है या पैदल, ये जो चलती होती है जिसमें आप सीढ़ियों पे खड़े होते हैं, कोई भी हो सकती है। तो डेविड जाता है, डेविड किस पे है 11th फ्लोर पे, तो हम लिख लेते हैं कि डेविड है आपका 11th फ्लोर पे, ठीक है दोस्तों।
एंड राइड्स अप एट द रेट ऑफ 57 फ्लोर पर मिनट। और अब वो चढ़ रहा है, राइड मतलब ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है, 57 फ्लोर पर मिनट, बहुत स्पीड से लिफ्ट आपकी जा रही है, लगभग एक सेकंड में एक आप फ्लोर पार कर रहे हो, ठीक है दोस्तों। एट द सेम टाइम, उसी टाइम अल्बर्ट गेट्स ऑन एन एलिवेटर एट द 51st फ्लोर ऑफ द सेम बिल्डिंग। उसी बिल्डिंग में अल्बर्ट भी है, मान लो आपका दोस्त ही है वो, और वो किस फ्लोर पे, मान लो वो है 51वें फ्लोर पे, ठीक है दोस्तों। उसने शॉपिंग पूरी कर ली, आप कहते हो मैं ऊपर आ रहा हूँ भाई, और ये राइट्स डाउन, ये नीचे आ रहा है, ठीक है, चलो भाई तू थोड़ा नीचे आ, दूर ज्यादा है, मैं ऊपर आता हूँ, आपा मिल जाएंगे। तो ये किस रेट से आ रहा है, देखो ये दूसरी लिफ्ट से आ रहा है, वो थोड़ी और तेज है, ठीक है ना। जो लिफ्ट आपकी है उसमें तो आप ऊपर जा रहे हो, उसमें तो वो आ नहीं सकता नीचे, तो उसको दूसरी लिफ्ट लेनी पड़ेगी जो नीचे आ रही है, आ वाली ऊपर जा रही है। तो जो नीचे आ रही है तो हो सकता है कि ग्रेविटी के कारण या रीजन कोई भी हो, वो ज्यादा स्पीड से आ रही है, 63 फ्लोर एक मिनट में वो कर रही है, ठीक है। If they continue traveling at these rate, इस rate पे ये continue travel करें, then at which floor will their path cross? किस floor पे उनके path cross होंगे, एक दूसरे को cross करेंगे वो या मिलेंगे, ऐसा भी हो सकता है, कहीं होता है कब मिलेंगे, मिलना या cross करना एक ही बात है वहाँ पे। देखो दोस्तों, आपने time and distance वाले, train वाले ऐसे सवाल किए होंगे, ठीक है ना। आपने एक चीज सीखी होगी कि जब दो दोस्त अलग अलग दिशा में जा रहे होते हैं ना, ये मतलब एक दिशा में जा रहे होते हैं, ऐसे ही एक दिशा में जा रहे होते हैं, तब तो क्या होती है कि आपकी जो स्पीड है वो घट जाती है। क्यों? आपसे आगे आपका दोस्त है, वो 10 की स्पीड से जा रहा है, ठीक है, और आप मान लो 15 की स्पीड से पीछे से उसका पीछा कर रहे हो, तो आपका 15 से पीछा करने का क्या फायदा हुआ, 10 की स्पीड से तो आगे चला गया, है ना। तो आपकी ओरिजिनल स्पीड तो 5 की रही ना, क्योंकि आप 15 आगे चलोगे एक घंटे में, 10 तो वो भी चल लेगा, तो आप एक तरह से उसको कैच तो 5 की स्पीड से कर रहे हो, तो वो घट जाता है। पर आप जब एक दूसरे के सामने चलते हो, वो 10 की स्पीड से आ रहा है, आप 15 की स्पीड से आ रहे हो, तो आप एक घंटे में 25 ट्रैवल करोगे एक दूसरे की तरफ, तब आपकी स्पीड बढ़ जाती है, जुड़ जाती है आपकी स्पीड। तो इसमें एक ऊपर से आ रहा है, एक नीचे से आ रहा है, एक दूसरे की तरफ ही आ रहे हैं, तो स्पीड जुड़ जाएगी, तो उनकी स्पीड जो है दोस्तों वो क्या हो जाएगी, आप देखो 57+63, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी 120 फ्लोर पर मिनट हो जाएगी आपकी, 120 फ्लोर एक मिनट में आप एक दूसरे की तरफ चल लोगे। डेविड है 11वें फ्लोर पे, अल्बर्ट है 51वें पे, आप दोनों दोस्तों के बीच में 40 फ्लोर की दूरी है, ये दूरी कब मिटेगी, ठीक है। तो 40 फ्लोर की दूरी, आप एक दूसरे की तरफ 120 की स्पीड से चल रहे हो, एक मिनट में 120 चल रहे हो, आपको चलना 40 ही है, यानी एक मिनट तो नहीं लगेगा, एक मिनट में 120 चल गए, 40 मिनट क्या है, 40 मिनट जो है वो 120 का तीसरा हिस्सा है, यानी कि 1/3 मिनट में आप एक दूसरे को मिल लोगे, है ना, तीसरा ऐसे ही लगेगा मिनट का, यानी कि 20 सेकंड, ज्यादा तो नहीं लगेगा ना, क्योंकि एक मिनट तो 120 फ्लोर पार कर जाओगे, 40 करने हैं तो 120 का तीसरा हिस्सा, ठीक है। तो कहाँ मिलोगे, ये तो टाइम हो गया ना, कितने टाइम बाद मिलोगे, 20 सेकंड में दोनों दोस्त एक दूसरे को मिल लेंगे या क्रॉस कर लेंगे। एक सवाल ऐसा भी आ सकता है आपका, है ना, आपको हर एंगल से सवाल करना चाहिए। अगर टाइम पूछा है तो 20 सेकंड बता दो, पूछा है कौन से फ्लोर पे आप मिलोगे या पाथ क्रॉस करोगे, तो डेविड से ही देख लेते हैं हम, डेविड 11वें फ्लोर पे था, ठीक है, कितना चला वो 20 सेकंड, यानी कि तीसरा हिस्सा मिनट का चला। डेविड कितना चल रहा है एक मिनट में, 57 फ्लोर चल रहा है, तो 1/3 मिनट में कितना चलेगा वो, 1/3 मिनट में चलेगा वो इसका तीसरा हिस्सा, 57 का 19 फ्लोर चलेगा वो, है ना, 19 फ्लोर वो चलेगा, तो 11वें फ्लोर पे था, तो डेविड कितने पे पहुंच जाएगा आपका, 30वें फ्लोर पे पहुंच जाएगा, यहां आप मिलोगे। उसका निकालना है अल्बर्ट का, तो उसका भी निकाल लो आप चाहो तो, कि वो 51वें फ्लोर पे था और वो नीचे आ रहा है 63 की स्पीड से, तो आप 1/3 मिनट में तो मिल ही जाते हो मिनट के तीसरे हिस्से में, तो 63 फ्लोर पे, तो 1/3 मिनट में वो कितना चलेगा, तीसरा हिस्सा 63 का, यानी कि 21 फ्लोर चलेगा वो, तो 51वें फ्लोर पे था, उसमें से 21 फ्लोर नीचे आ गया, तो वो आ गया 30वें पे, आप दोनों 30वें पे पहुंच चुके हो, आप मिल चुके हो या क्रॉस कर चुके हो, सी आपका आंसर आ जाएगा। जो दोस्त ना समझे हैं वो थोड़ा सा दोबारा देख ले, एक 11वें फ्लोर पे है, एक 51वें फ्लोर पे है, फिर भी ये मुश्किल लगे तो आप दो दोस्त मॉल जाइएगा, ठीक है, मॉल में थोड़ा ये डेमो करके देख लीजिएगा, ये ड्रिल करके, ठीक है, एक ऊपर नीचे, थोड़ा ज्यादा आपको बेसिक समझ में आ जाएंगे। आप दोनों के बीच में 40 फ्लोर का फासला है, 57 की स्पीड से आप ऊपर जा सकते हो इस लिफ्ट से, 63 की स्पीड से वो नीचे आ सकता है, यानी कि एक दूसरे की तरफ आप दोनों डिस्टेंस ट्रेवल करोगे तो आप 120 की स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, ठीक है दोनों, पर आपको 40 ही फ्लोर करने हैं, 120 नहीं करने,
आपको तीसरा हिस्सा ही करना है, तो मिनट का तीसरा हिस्सा ही लगेगा आपको, 1/3 मिनट। कहाँ मिलोगे? देखो आपका देख लो, आप 57 की स्पीड से चल रहे हो, तीसरा हिस्सा मिनट में आप 19 चलोगे तो आप 30वें पे पहुंच जाओगे। उसका निकालने की जरूरत ही नहीं है, आप हमने समय दोनों के हिसाब से ही निकाला है, दोनों की स्पीड जोड़ के, तो उसका भी 30 ही आएगा, तो 30वें फ्लोर पे आप मिल जाओगे। ये आपका उत्तर है। टाइम पूछे तो 20 सेकंड बता दो या 1/3 मिनट बता दो। ठीक है दोस्तों, तो ये टाइम एंड डिस्टेंस वाला एक सवाल इस तरह से हो गया आपका। सिंप्लीफिकेशन भी देख लो, मतलब अलग अलग चैप्टरों के सवाल होते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ सिंप्लीफिकेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर चैप्टर से जुड़ा हुआ है एक तरह से। अब अगले सवाल में नोटबुक आ गई हमारे पास, अब पढ़ाई पे आ जाते हैं हम। फ्री नोटबुक्स वैसे मिलती तो नहीं है, चलो कोई बात नहीं, वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग चिल्ड्रन ऑफ ए क्लास। एक क्लास में बच्चे हैं, उनको फ्री में नोटबुक्स, वैसे वो फीस पहले ले लेते हैं स्कूल वाले भारी भरकम, ठीक है, किताबें उसी में होती है, तो फ्री नोटबुक्स वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। द नंबर ऑफ नोटबुक्स ईच चाइल्ड गोट, पर चाइल्ड नोटबुक कितनी मिल रही है, ठीक है ना, क्या वो कह रहा है, वो नंबर ऑफ नोटबुक, ठीक है, पर चाइल्ड, है ना, पर चाइल्ड, एक चाइल्ड को कितनी नोटबुक मिल रही है, वाज 1/8 मिल रही है, कितनी, ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन का भी, चिल्ड्रन मान लो आपके क्लास में 80 हो, ठीक है, तो 80 अगर चिल्ड्रन है तो उसका 8वां हिस्सा कर लो, कितना हुआ, 10 हुआ, तो हर बच्चे को 10 नोटबुक मिल रही है, इसका मतलब ये हुआ एक तरह से, ठीक है ना। तो जितना भी आपका जो बच्चों की संख्या है उसका 8वां हिस्सा, अगर आपकी क्लास में मान लो 120 है तो उसका 8वां हिस्सा कर दो, 15 एक बच्चे को आपको मिल रही है, ठीक है दोस्तों। आगे क्या कह रही है, हैड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बीन हाफ, अगर बच्चों की संख्या आधी होती, ठीक है, ठीक है, नंबर अगर हाफ होते आपके पास, बच्चों की संख्या आधी होती तो कैसे बांटते आप, बच्चे आधे होंगे आपके पास, नोटबुक तो उतनी ही है, आप बांटोगे तो हर बच्चे को ज्यादा आएगी, बच्चे आधे हो गए कितनी ज्यादा आएगी, दुगनी हो जाएगी। जैसे पहले एक बच्चे को 10 मिल रही थी, आधे बच्चे चले गए छुट्टी में, अब स्कूल में आधे ही बच्चे बचे हैं, अब अगर आप बांटोगे तो आधे बच्चे हैं तो नोटबुक दुगनी मिलेगी ना, तो जो 10 मिल रही थी उसकी बजाय कितनी मिलेगी, 20 मिलेगी। तो वो यही कह रहा है कि अगर बच्चे आधे होते तो ईच चाइल्ड वुड हैव गॉट 16 नोटबुक, तो उसको कितनी नोटबुक मिलेगी दोस्तों, 16 नोटबुक मिलेगी एक बच्चे को, ठीक है, अगर बच्चे आधे हों तो। अगर आधे ना हो, पूरे हों तो, कंप्लीट हो तो बच्चे, फुल हो या कंप्लीट, जो भी वर्ड आप यूज करना चाहो, अगर बच्चे पूरे हो तो कितनी मिलेगी, तब तो 8 मिलेगी ना, अगर पूरे हो, आधे में आपको 16 मिल रही है, आधे बच्चे हो जाए तो पूरे में तो आपको पता है उसके आधी मिलेगी, है ना, ज्यादा बच्चे हो गए तो 8 मिलेगी, ठीक है, इसमें दुगुनी मिलती है आधे होने पर, 8 नोटबुक आपके बच्चों को, एक बच्चे को मिलेगी, इतना तो आपको समझ में आ गया। अब ये पूछ रहा है टोटल हाउ मैनी नोटबुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, आपको ये बताना है कि कितनी नोटबुक डिस्ट्रीब्यूटेड की गई। आपको एक चीज तो पता चल गई कि 8 नोटबुक पर चाइल्ड मिल रही है, ठीक है ना, यहां से इस दुगने वाले से पता लगा कि हाफ करने पे 16 मिल रही है, तो पूरे क्लास होगी तो आपको 8 नोटबुक मिलेगी, पर चाइल्ड मिलेगी, ठीक है। अब इसने ये भी बताया था कि जो नोटबुक मिल रही है ना एक चाइल्ड को, वो चिल्ड्रन की संख्या का 8वां हिस्सा है, ठीक है, मतलब बच्चे जो हैं अगर 80 हो तो आपको नोटबुक 8वां हिस्सा 10 मिलेगी, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ नोटबुक क्या है, 8वां हिस्सा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन का, तो ये 8 नोटबुक मिल रही है तो बच्चे कितने होंगे, चिल्ड्रन, इसका 8 गुना होंगे, बच्चे कितने हो जाएंगे, 64, यानी बच्चों की संख्या का 8वां हिस्सा नोटबुक मिल रही है। हमें नोटबुक बता दिया 8 मिल रही है, तो बच्चे हम 8 गुना अपने आप निकाल लेंगे, 64 है, बच्चे 64 है और हर बच्चे को 8 मिल रही है, तो टोटल नोटबुक्स कितनी हो जाएगी, आप जो बच्चों की संख्या है उसको कितनी नोटबुक पर चाइल्ड मिल रही है उसे गुणा कर दो, 64 गुणा में 8 बराबर 512 आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा आपका। आसान सा सवाल था, और आप जिनको समझ नहीं आया एक बार दोबारा देख लीजिए। इसने ये कहा था कि जितने भी स्कूल में बच्चे हैं ना उसकी जो संख्या है उसको 8 से भाग कर दो, इतनी नोटबुक आप पर चाइल्ड दोगे, ठीक है, नोटबुक पर चाइल्ड दोगे आप, एक तो ये चीज थी। तो जो बच्चों की संख्या में और नोटबुक जो मिलेगी उसमें ये रिलेशनशिप था, बच्चों की संख्या 8 गुणी है, बच्चे ज्यादा है, बच्चों की संख्या का 8वां हिस्सा मिल रहा है, ठीक है, बच्चे अगर 80 हैं तो आपको 10-10 मिलेगी सभी को, ठीक है दोस्तों। अब इसने ये तो नहीं बताया कि कितनी नोटबुक मिलेगी एक बच्चे को, पर ये बता दिया कि अगर मैं आधे बच्चे कर दूं तो 16 मिलेगी, तो अगर पूरे बच्चे हो तो हम पता है 8 मिलेगी, आधे बच्चे करने पे तो दुगनी मिलती है क्योंकि बच्चे कम रह गए, तो आधे बच्चे करने पे 16 मिलेगी, तो इसमें लोग पूरे बच्चे होंगे तो 8 नोटबुक मिलेगी, नोटबुक 8 मिलेगी तो बच्चों की संख्या क्या है उसकी, 8 गुणी है, बच्चों की संख्या 64 है,
तो बच्चों की संख्या 64 आ गई है, एक एक को 8 8 मिलेगी तो टोटल मिलेगी 512। एक क्लासरूम हैज इक्वल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज की जितनी संख्या है उतनी ही गर्ल्स की संख्या इस क्लास में है। नॉर्मली गर्ल्स की संख्या कम होती है बीएड को छोड़कर, बीएड के बच्चों में मैंने देखा है गर्ल्स ज्यादा होती है। 8 गर्ल्स लेफ्ट टू प्ले खो खो, जो गर्ल्स की संख्या थी उसमें से -8 हो गया, कैसे, वो खो खो खेलने चली गई, ठीक है, कम हो गई ना उनकी संख्या, 8 कम हो गई, ठीक है, तो इनकी बराबर थी इसके पर 8 इनकी कम हो गई। लिविंग, तो क्या छोड़ा उन्होंने, ट्वाइस एज मैनी बॉयज एज गर्ल्स इन द क्लासरूम, 8 गर्ल्स अगर खो खो खेलने चली जाए तो क्या बच जाता है, बॉयज की संख्या गर्ल्स की दुगुनी हो जाती है, तो बॉयज की संख्या क्या होगी दोस्तों, गर्ल्स की 2 गुना, पहले बराबर थी अब 2 गुना हो गई, ठीक है। मान लो कि अगर गर्ल्स हो 20 तो बॉयज हो गए 40, 2 गुना हो गई। पर एक बात मान के चलो, बॉयज की संख्या 2 गुना हो गई, इसका मतलब गर्ल्स की संख्या क्या हो गई, आधी हो गई, सिंपल सी बात है ना, बॉयज की संख्या गर्ल्स की दुगुनी है, इसका मतलब गर्ल्स की क्या हो गई, आधी हो गई, 8 छोड़ते ही आधी हो गई, यानी कि 8 निकालो तो आधी हो गई, तो इसका मतलब पूरा कितनी थी, पूरी गर्ल्स कितनी थी, बिल्कुल आसान सा सवाल है, पूरी गर्ल्स आप बता सकते हो कितनी थी, 16। 8 छोड़ने से गर्ल्स आधी रह जाती है, पहले तो बॉयज के बराबर थी, ठीक है जो भी थी, पर 8 छोड़ने से वो आधी हो गई, है ना, 8 छोड़ने से आधी तो तभी होगी जब वो 16 थी, है ना, अगर वो मान लो 50 होती तो 8 छोड़ने से 50 ही बॉयज होते, 50 ही गर्ल्स होती, अगर 8 चली जाती तो गर्ल्स 42 हो जाती, बॉयज 50 हो जाते, तो आधी तो ना होती ना, बॉयज दुगने कैसे होते फिर, नहीं होते, तो बॉयज दुगने हो गए, गर्ल्स आधी हो गई, 8 छोड़ने से आधी हुई, इसका मतलब 16 गर्ल्स थी, पूरी पूरी गर्ल्स 16 थी, 8 छोड़ने से आधी हुई, तो गर्ल्स 16 थी, और इसने ये भी बताया कि बॉयज की संख्या और गर्ल्स की संख्या इक्वल थी, है ना, यहाँ पे तो इसका मतलब बॉयज भी कितने थे, 16 थे, तो इसने क्या पूछा है, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इनिशियली, तो 16 और 16 कितने हो गए दोस्तों, कितने मान लो टोटल गर्ल्स एंड बॉयज दोनों मिला के 32 हो गए, ये आपका उत्तर आ गया, बहुत ही आसान है। जिन दोस्तों को इस सवाल को करना है बिना पेन पेंसिल के, वो इसको जस्ट समझ के कर सकते हैं कि मान लो बराबर बराबर लड़के लड़कियां थे, 8 लड़की चली गई तो बॉयज दुगने हो गए, गर्ल्स इसका मतलब क्या हो गई, बॉयज की आधी रह गई, यानी ओरिजिनली आधी रह गई जो शुरू में थी उससे, तो अगर वो आधी रह गई क्योंकि शुरू में बॉयज गर्ल्स तो बराबर ही थे ना, तो गर्ल्स आधी रह गई 8 छोड़ने से, तो इसका मतलब पूरी गर्ल्स कितनी होंगी, 8 छोड़ने से आधी हो जाती है, तो यानी कि आधी चली गई, इसको एक एंगल से ये भी देख सकते हैं कि आधी हो गई 8 छोड़ के जाने से, तो मतलब आधी रह गई, इसका मतलब जो गई हुई है वो भी आधा पार्ट है, आधी चली जाएंगी तभी तो आधी रहेंगी ना, अगर तीसरे हिस्से की जाती तो आधी थोड़ी बचती, पीछे पीछे 2 हिस्से बच जाते, आधी चली गई इसी का मतलब आधी बची है, तो इसका मतलब चली गई वो भी आधी है और बची है वो भी आधी है, चली गई है वो हमें पता है वो 8 गई है खो खो खेलने, तो चली गई है वो आधी गर्ल 8 है, तो आधी बची हुई भी 8 है, तो टोटल गर्ल 16 है, और बॉयज और गर्ल्स शुरू में बराबर थे, तो हमारे बॉयज 16 गर्ल्स 16 टोटल 32। देखो पेन पेंसिल का यूज ही नहीं है, तो बिना पेन पेंसिल के आप ये सवाल सेकंड्स में कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही इस एक्सरसाइज में, सिंप्लीफिकेशन की ऐसी एक्सरसाइज हम आपके लिए लेके आते रहेंगे, सिंप्लीफिकेशन की 12 एक्सरसाइज हो चुकी हैं, और भी हम लाएंगे इसमें, क्यों लाएंगे, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन एक चैप्टर नहीं है, एक पूरा मैथ है, इसमें आपकी हर चीज आती है, चाहे वो एलसीएम हो, फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो, जैसे इसमें रीजनिंग का आपको इस्तेमाल करना हो, हर चीज आती है, तो अगर इसको करते हैं तो मतलब अगर आप बात करें अर्थमेटिक की, तो एक तरह से आधा अर्थमेटिक आपका हो जाता है, ठीक है। और आप इसकी पीडीएफ वगैरह देखना चाहें तो आप टेलीग्राम चैनल है पढ़ाई की बात नाम से, वो ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें हम इसे मेटेरियल रिलेटेड डालेंगे, ये एक्सरसाइज भी डालूंगा मैं, और आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को, उसका नाम भी पढ़ाई की बात है, जिसपे हम पढ़ाई की बातें करते हैं, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आपको ऑन होगा तो आपके पास वीडियो भी आ सकते हैं, अदरवाइज मान लो कई बार वीडियो नहीं आती क्योंकि बहुत सारा यूट्यूब तो भरा हुआ है ना, आप पढ़ाई की बजाय क्या करते हैं कि मान लो कोई और वीडियो, कोई मूवी, कोई शॉर्ट मूवीज, ऊट पटांग चीजें देखते रहते हैं जो आपके काम की नहीं होती, जो आपका टाइम वेस्ट कर देती है, फोन उठाया यूट्यूब देखा, आपने सोचा था पढ़ेंगे पर क्योंकि 2-3 घंटे आप और ही वीडियो देखते रहे, तो आप बेटर ये है कि आप सब्सक्राइब ऐसे चैनल कीजिए जो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो आगे फिर मिलेंगे हम अगली एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।